रांची के रिम्स ट्रामा सेंटर सभागार में विश्व हेपेटाइटिस दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने की। इस मौके पर बन्ना गुप्ता ने कहा कि हेपेटाइटिस 5 प्रकार के होते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी तथा ई। इन सभी का निदान हम थोड़ी सावधानी से, थोड़ी सुरक्षा से, थोड़ी आचार विचार में बदलाव कर, स्वच्छता को अपनाकर, स्वच्छ भोजन को अपनाकर कर सकते हैं। माननीय मंत्री ने कहा कि झारखंड राज्य में अभी तक हेपेटाइटिस बी से 45,653 एवं सी से 45,691 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की गई है, जिसमें हेपेटाइटिस बी के 372 एवं हेपेटाइटिस सी के 56 रोगियों का उपचार रिम्स रांची तथा अन्य ट्रीटमेंट सेंटर में चल रहा है। वर्ष 2021-22 में कुल 2,70,496 गर्भवती महिलाओं का हेपेटाइटिस बी हेतु जांच किया गया, जिसमें 151 पॉजिटिव एवं पॉजिटिविटी रेट 0.06% रहा। लीवर सिरोसिस बहुत तेज गति से बढ़ने वाली बीमारी है, जो आगे चलकर कैंसर के रूप में परिणित हो जाती है। यदि सही समय पर सही निदान, सही विचार और सही समाधान नहीं किया जाए तो ये जानलेवा हो सकता है। माननीय मंत्री ने MBBS 2019 बैच के छात्रों का धन्यवाद और आभार व्यक्त किया। 2019 बैच के छात्रों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हेपेटाइटिस बी के संबंध में लोगों को जागरूक करने का काम किया है। माननीय मंत्री ने कहा कि झारखंड राज्य में हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष 2019 में शुरू किया गया है। हेपेटाइटिस बी तथा सी मरीजों के समुचित जाँच तथा इलाज हेतु राज्य के 24 जिला अस्पताल तथा अन्य 5 मेडिकल कॉलेज में उपचार केंद्र तथा रिम्स को मॉडल ट्रीटमेंट सेंटर स्थापित किया गया है। अभी तक हेपेटाइटिस के नियंत्रण हेतु झारखंड राज्य में कई कार्य किए गए हैं। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।